माय डियर बॉयफ्रेंड, यार आज ना मैं तेरे लिए एक बात बोलना चाहती हूँ। सीरियसली, व्हाट द फक आर यू डूइंग? मुझे ना बहुत प्यार है तुझसे। फैमिली के बाद इन फैक्ट अगर मेरे लिए कोई मैटर करता है ना, तो वो तू ही है। लेकिन कभी कभी ना मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि मैं मुंह तोड़ दूँ तेरा। मुझे ना हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस रिलेशनशिप में जो तूने ये टट्टी रूल्स बना रखे हैं ना, मुझे सारी की सारी दिक्कत उससे है। कि मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मेरे लिए एप्लीकेबल है। यार मेरा कोई मेल फ्रेंड मुझे कॉल कर दे तो तुझे लगता है मैं उसकी हो गई? मेरा वो बेस्ट फ्रेंड है ना कपिल, 4 हफ्ते पहले गई थी मैं उसके यहाँ नाइट आउट पे। क्यों? क्योंकि तू इतना बड़ा इनसिक्योर घूम रहा है कि तुझे लगता है कि अगर वो और मैं रात को साथ में है ना, तो पक्का कुछ गलत होगा। यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम लोग सिर्फ रात को साथ में सोते ही हैं, जो तू सोचता है वो नहीं करते। कडलिंग और सेक्स में बहुत डिफरेंस होता है। यार तुझे पता है क्या, तेरे साथ ना रिलेशनशिप में आने से पहले मैं ये सोचती होती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे लिए ये करेगा मेरे लिए वो करेगा, लेकिन नहीं। सच बात तो ये है कि कोई घंटा ही किसी के लिए कुछ नहीं करता। और कौन कितना टिकेगा और कौन कितना नहीं टिकेगा ना, ये रिलेशनशिप के पहले ही दिन पता चल जाता है। यार लाइफ मेरी, लेकिन जो भी करो तुझसे पूछ के करो। और अगर किसी दिन कुछ बिना पूछे कर दिया, तो अगला पूरा दिन तुझे ये एक्सप्लेन करने में निकाल दो कि पूछा क्यों नहीं। क्यों भाई क्यों? ये सारा उच्चू पुच्चू बेबी सोना मोना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होता है क्या यार? जबकि सच बात तो ये है कि असली तो हमारी उम्मीदें लगाती हैं। गलती किसी की भी हो, सॉरी हमेशा वो ही बोलेगा जिसमें ईगो कम है। और हाँ, अगर सॉरी नहीं बोला तो नो सेक्स। अच्छा, इसीलिए तुम लड़के हमेशा सॉरी बोल देते हो? लाइफ का क्या होना है ना यार, किसी को नहीं पता। बट आई कैन नॉट वेक अप टू द सेम फेस एवरी डे। अगर किसी दिन बोल दिया तो ब्रेकअप। ब्रेकअप भी कौन सा वैसे आसान है, एक कहीं रो रहा होता है, दूसरा कहीं बैठ के दारू पी रहा होता है। और फिर आता है पैचअप, वो तो भाई उससे भी बड़ा चूतियापा है। एट दी एंड ना मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है ना, तो यार आप सर्टिफाइड चूतिया हैं। और अगर आप नहीं है ना, तो भैया इस दरिया से दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो लोग इसमें है ना वो डूब ही रहे हैं एक सेफ्टी जैकेट पहन के, जिसपे बड़ा बड़ा लिखा है सेक्स। और हाँ, दर्द बहुत होता है यार पीछे। लड़कियों तुम समझ जाओगी यार जब तुम रिलेशनशिप में आओगी। और हाँ एक बात और, ये जो तू मुझे बेबी 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 बोलता है ना, बोलना बंद कर दे। 23 साल की सांडनी सांडनी नहीं, नहीं मैं तो गाय लड़की हूँ यार। 23 साल की गाय लड़की हो चुकी हूँ मैं यार, कोई निप्पल से दूध पीती हुई लड़की नहीं हूँ। मेरे तो अब तक खुद निप्पल कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इस हिसाब से तो मुझे तुझे बेबी बोलना चाहिए। यार मेरा ना कभी कभी मन करता है कि मैं बेबी का कॉल। हाय बेबी, तुम्हें पता है मैं तुम्हें याद कर रही थी अभी। ओले मेला बेबी। हाँ बेबी, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो।